हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं ऐसा करता हूँ, आप मस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। आज का जो हम लोग का वीडियो है, कल इससे पहले हम लोग एक वीडियो लेकर आए थे एलसीएम एचसीएफ का, जो टोटल एसएससी सीजीएल में 2022 में जो पूछा गया था उसका 15 सेट का। और आज वाला जो वीडियो है इसमें कंप्लीट हम लोग 20 सेट का क्वेश्चन लेके आ रहे हैं एसएससी सीजीएल का, जो 2022 में पूछा गया है। ठीक है, सारे क्वेश्चन ऑथेंटिक हैं, आप क्वेश्चन देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेशन को लेकर आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करेंगे। तो आज का थंबनेल यही है, जैसा कि हम क्या बोले यहाँ पे 20 गो शिफ्ट है ना, यानी टोटल 20 शिफ्ट का इसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एलसीएम एचसीएफ का। ठीक है, समझने का प्रयास करेंगे, जहां दिक्कत होगी आप लोग बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करेंगे और बताएंगे आपको कहाँ पे तकलीफ है, कहाँ पे परेशानी है, कहाँ पे दिक्कत हो रही है। क्लियर, चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आज का आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए, लिखा है कि दो संख्याओं का योग कितना है, 18 है, और उनका महत्तम समापवर्त यानी एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 3 और 54 है। 3 और 54 है, उनके व्युत्क्रम का योग क्या है? व्युत्क्रम हमें क्या पता, वो नंबर क्या है, राइट? हम ऐसे मान लेते हैं 1/a व्युत्क्रम और 1/b मान लेते हैं। जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो मिलेगा क्या, ए बी बाई सॉरी एलसीएम क्या मिल जाएगा आपको, ए बी मिलेगा और ऊपर में मिल जाएगा ए प्लस बी मिलेगा। ए प्लस बी मतलब क्या, दो नंबर का योग जो आपके पास गिवन है 18। ए बी का मतलब क्या है, नंबर का मल्टीप्लीकेशन। एक फॉर्मूला आप जानते हैं, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल एलसीएम गुने एचसीएफ। ठीक है, ये मल्टीप्लाई है, इसके जगह पे क्या हो जाएगा एचसीएफ 3 और ये रहा, ठीक है, 18 1 जा 18 3 जा, कंप्लीट अगर मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 1/9। डायरेक्ट आंसर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है, सही आंसर है। क्लियर है, मैं ऐसा करता हूं, आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, जो आपके पास सेकेंड नंबर सवाल दिख रहा है ना, इसको पहले नंबर तो आपको फैक्टराइज करना होगा। अब इसके फैक्टराइज करने के बाद ही समझ में आ पाएगा कि इसका आंसर होगा तो कितना होगा और कैसे होगा। आइए हम करके दिखाते हैं, बारी बारी से समझेंगे। इस नंबर को अगर आप करते हैं क्या होगा, समझती है? ये रहा आपका 8x3 प्लस 80x² प्लस 200x, कुछ कॉमन है तो आप बोलेंगे हाँ 8x कॉमन ले लिया जाए, बचेगा यहाँ पे x², यहाँ पे 10x बचेगा और यहां से 200 बच जाएगा, सॉरी 200 नहीं, 8 दुना की 16, 8 5 40, 25 होगा। फिर से इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, इसके अंदर वाले को अगर फिर तोड़े तो क्या टूटेगा, x² प्लस 5x प्लस 5x प्लस 25। ठीक है, ये हो जाएगा 8x। अब यहाँ पे कुछ बात को कॉमन ले लेते हैं, कॉमन अगर x लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा x प्लस 5, फिर से यहाँ पे प्लस में 5 ले लेते हैं कॉमन, ये बचेगा x प्लस 5 बचेगा। फाइनल क्या मिला, 8x इंटू x प्लस 5 इंटू x प्लस 5, इतना हो गया आपका ये नंबर का। अब दूसरा नंबर को इसी तरह से तोड़ लेंगे, इसको तोड़ते हैं, इसको क्या मिलेगा, यहां पे कॉमन ले लेंगे हम लोग 4x टू द पावर
ले लेते हैं, तो यहाँ पे बच जाएगा एक्स टू दी पावर टू प्लस में 4x बचेगा और माइनस में यहाँ पे 5 हो जाएगा। 4x स्क्वायर ये भी रहने देते हैं, अंदर वाले के काम करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 5x माइनस एक्स हो जाएगा माइनस 5, फिर से तोड़ेंगे 4x स्क्वायर हो जाएगा और इसको तोड़ेंगे ना तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सॉरी अब यहाँ पे x कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 5 कर दीजिए और यहां से माइनस 1 ले लेंगे तो फिर से x प्लस 5 हो जाएगा। मिला क्या 4x स्क्वायर और इधर से आपको मिल जाएगा x माइनस 1 और x प्लस 5। अब दोनों में देख लीजिए कौन सा ऐसा नंबर है जो कॉमन है उसको भी लेंगे और जो कॉमन नहीं है उसको भी लेंगे। तो कॉमन वाला पार्ट पहले देख लिया जाए, एक्स प्लस फाइव, एक्स प्लस फाइव यानी एक्स प्लस फाइव तो एनी हाउ होगा, बचा कौन? तो सर फिर से ऊपर वाले में एक्स प्लस फाइव बच जाएगा और नीचे वाले में एक्स माइनस वन बच जाएगा, क्लियर? लेकिन और कुछ तो हाँ, ए एट एक्स और यहाँ पे जो फोर एक्स स्क्वायर है ये दोनों को काम करेंगे तो आप देख पाएंगे कि हो जाएगा आपका 8x स्क्वायर हो जाएगा और फिर से 2 टाइम्स में आ जाएगा ये स्क्वायर और यहां से x माइनस 1 होगा, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड यहां से हो जाएगा राइट आंसर, करेक्ट आंसर, क्लियर है? मतलब पहला काम था इसको फैक्टराइज करना, देन आंसर। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए आपके पास जो क्वेश्चन स्लाइड हुआ है ये काफी आसान लग रहा होगा आपको भी, बोला हुआ छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 9, 24, 36 से विभाज्य है, बड़ा आसान काम है, ठीक है? और नंबर क्या होगा तो ये सारे का एलसीएम होगा, ये सारे नंबर का एलसीएम होगा, तो एलसीएम कितना आएगा सारे नंबर का 22, क्लियर आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे है 186.6 और 373.2 का एलसीएम पूछा है, बेहद आसान है। आसान कैसे है तो आप देखेंगे ये इसका डायरेक्ट डबल है, दोगुना है, तो जब कभी भी कोई नंबर किसी का डबल होना तो वहां पे जो डबल वाला नंबर होता है वही डायरेक्ट एलसीएम हो जाता है। एग्जांपल ऐसे और छोटा नंबर से समझाते हैं, जैसे पहले इसका आंसर क्या होगा तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 373.2। छोटा एग्जाम्पल ऐसे जैसे हम बोलेंगे ये दो है और ये चार है, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा तो चार हो जाएगा। हम बोलेंगे ये तीन है और ये छह है, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा छह हो जाएगा, क्लियर? हम बोलेंगे ये पांच है और ये दस है, एलसीएम क्या हो जाएगा दस हो जाएगा। मतलब ये साफ शब्द में आप कह सकते हैं कि कोई दो नंबर है और वो दोनों क्या है भाई, तो एक के रेस्पेक्ट में दूसरा अगर डबल है दोगुना है तो जो दोगुना है वो डायरेक्ट एलसीएम हो जाएगा, ठीक है? कोई टाइम टेकन की यहाँ पे जरूरत है ही नहीं। नेक्स्ट नेक्स्ट में है कि यदि दो संख्या का महत्तम दिया है एलसीएम सॉरी एससीएफ है, तो बोला है कि एससीएफ अगर 8 है तो कौन एलसीएम नहीं हो सकता है। याद रखिएगा कि एलसीएम जो होता है वो हमेशा एचसीएफ से कट जाता है, तो देखिए एससीएफ से 40 कटेगा तो हाँ कट जाएगा, मतलब ये हो सकता है, ये 56 भी कटेगा, ये 48 भी कटेगा, ये सारे फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो ऑप्शन है उसका एलसीएम होने की संभावना है, बट जो आपका 42 है उसका एलसीएम होने की कभी संभावना नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये 8 से कट नहीं रहा है, हमसे वही पूछा है कि कौन नहीं हो सकता है, क्लियर? चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे तीन नंबर दिया है और इसका आपसे एससीएफ पूछा है, जैसे 105 है, आप डिवाइड मेथड से काम करेंगे, 105 ये रहा आपका 335, ठीक है? 3 टाइम्स में क्या हो जाएगा 315 आएगा, 20 बचेगा, फिर से यहाँ पे 105 होगा, ये 5 टाइम्स में 100 होगा, 5 बचेगा और ये 5 से फिर से 20 में करेंगे, 5 4 20, आप देख पाए यहां से 5 मिला, ए 5 को पकड़ के अगले वाले नंबर में अगर हम कर दें किसमें 465 में, तो आपको ऑलरेडी दिख रहा है कि तो पूरे पूरे कटने वाला नंबर है, मतलब डायरेक्ट आप 5 को यहाँ पे आंसर प्रेफर करके निकल लेंगे
ऑप्शन नंबर 4। क्लियर। चलिए ये रहा नेक्स्ट, और इसको समझिएगा, यहां भी आपसे वही बात पूछ लिया है, तो ये सब बहुत आसान चीजें है एचसीएफ निकालना। ठीक है, आप इसको निकालिएगा, हम यहाँ पे इस स्लाइड को क्या करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। हाँ, यहाँ देखिए ये वाला जो नंबर है ना डेसिमल में है, डेसिमल से आप लोगों को पहले ही थोड़ा सा ना वो एक होता है ना डर, वो बन जाता है, लेकिन ऐसा कोई बात है नहीं। समझिए, आप फिलहाल कुछ समय के लिए डेसिमल को भूल जाइए, डेसिमल को भूल जाइए और ऐसे काम कीजिए। देखिएगा, ये रहा आपके पास 408 और ये रहा आपके पास 663, वन टाइम में 408 होगा, माइनस कीजिए 5 होगा, यहाँ भी 5 होगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये रहा आपका 408, फिर से वन टाइम में जाएगा 255, इधर से 3 मिलेगा और यहाँ से 5 मिलेगा, यहाँ से 1 मिलेगा, फिर से यहाँ पे 255 के साथ काम कर दीजिए, वन टाइम में 153 होगा, इधर से 201 होगा, फिर से काम कर लेते हैं 153 के साथ, फिर से वन टाइम में चला जाएगा 102, ये मिलेगा 1, यहां से मिलेगा 5। ठीक है, और इसको फिर से अगर हम कर दें 1, एक मिनट आपको साथ कट रहा होगा, अगर कट रहा होगा तो यहाँ पे देखिएगा आपके पास 51 मिला और इसको करना है 102 के साथ, फिर 2 टाइम्स में हो जाएगा पूरे कैंसल। आप क्या देखे, आप यही देखे कि सबसे लास्ट टाइम में आपको देखने को मिला 51। ठीक, तो 51 अब करना यही है कि सर जो भी हमारे पास सवाल था वो दो डिजिट के बाद डेसिमल था, तो हम डेसिमल लगा देते हैं, है ना, दो डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे, हो गया 51, है ना, यानी ऑप्शन नंबर 4। क्लियर। अब नेक्स्ट ये समझिएगा, ये काफी आसान चीज है, आपके पास 3 नंबर दिया है, वो नंबर है एक्स वाई टू दी पावर 3, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स क्यूब और वाई टू दी पावर 4 का क्या पूछा है, महत्तम समापवर्तक दे रखा है, महत्तम दिया है यानी एलसीएफ दिया है और आपसे एलसीएम पूछा है, तो कुछ नहीं करना होता है, याद रखिएगा जितने सारे नंबर होते हैं वो सारे नंबर में मैक्सिमम पावर ढूंढिए और जो मैक्सिमम पावर होगा वही आंसर होगा। तो पूरे नंबर में अगर हम एक्स का मैक्सिमम पावर ढूंढे तो आप बोलिएगा एक्स के पावर 3 रख लीजिए, और पूरे नंबर में वाई का मैक्सिमम पावर ढूंढे तो आप बोलेंगे वाई के पावर 4, यही हो जाएगा आपका एलसीएम, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर, यानी यहाँ पे टोटल ऑथेंटिक क्वेश्चन आपके सामने लाया गया है, जिस तरह से सीजीएल का ऑप्शन दिया होता है या आंसर की आने के बाद वाला पीडीएफ है, टोटल वही काम किया गया है। क्लियर है। चलिए ये वाला जो आपके पास क्वेश्चन लगा हुआ है, ये भी कोई बताने का चीज नहीं है, डायरेक्टली आप जो जानते हैं अपने हिसाब से इसको क्या निकालने के लिए एलसीएम कर लीजिएगा, बहुत आसान काम है, यहां भी इसको भी आप कर लेंगे। क्लियर, बस खाली हम आपको देखिए पीडीएफ दिखाने का मेरा मतलब क्या है कि सवाल हम इस चीज को लेकर नहीं आए कि कितना भारी है और कितने आसान है, मेरा एक ही मतलब है कि आप क्वेश्चन से रूबरू होइए कि आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा कैसा जाता है, आपके पेपर में क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, और आप जहां कहीं भी पढ़ रहे हैं वहां पे अगर इस टाइप के प्रश्न, इस पैटर्न के प्रश्न अगर आपको कराए जा रहे हैं या फिर आप खुद इस टाइप के प्रश्न को करने में सक्षम है, मतलब कि सही चीज आप पढ़ रहे हैं, इसी टाइप की चीजें पूछा जाता है, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो अपने आप को थोड़ा सा चेंज कीजिए, पैटर्न पे लाइए जो पैटर्न आपका चल रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे फ्रैक्शन का चीज है और आपसे एचसीएफ पूछा है, तो जब कभी भी फ्रैक्शन का चीज होता है और एचसीएफ पूछे तो याद रखिएगा एचसीएफ का एक फॉर्मूला क्या बन जाता है कि फ्रैक्शन वाला में एचसीएफ पूछता है तो ऊपर वाले, यानी ऊपर वाले कहने का मतलब नॉमिनेटर को एचसीएफ करेंगे और डिनोमिनेटर को एलसीएम करेंगे। अब बताइए ऊपर मतलब 1, 3, 5, 7, ठीक, ये सारे नंबर का जब एचसीएफ करिएगा तो 1 मिलेगा। क्लियर। नीचे में क्या है भाई, तो नीचे में है 2, 4, 6, 8, ये सारे नंबर का एलसीएम करेंगे
तो हमारे पास 24 मिलेगा, यानी आंसर क्या बनेगा, 1/24 बनेगा। एक बात और यहां पे हम बताएंगे, तो अगला बात है यही कि अगर आपसे एलसीएम पूछ लिया होता तब, तो एलसीएम पूछेगा तो ऊपर वाले का एलसीएम करेंगे और नीचे वाले का एचसीएफ करेंगे, ठीक। यही फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, एलसीएम आपको मिल जाएगा। चलिए आगे देखिए, एचसीएम आगे वाला सवाल में आपसे एलसीएम पूछ ही लिया, तो जब एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाला का एलसीएम करेंगे। ऊपर वाला एलसीएम मतलब यहाँ पे एलसीएम बटा में चलेगा आपका एचसीएफ। आइए एलसीएम किसका निकालना है, 3, 5, 7 का। एक बात बताएं कि 3, 5, 7 में कुछ कॉमन नहीं हो तो डायरेक्ट को मल्टीप्लाई होगा, 3 × 5 = 15, 15 × 7 = 105, ये डायरेक्ट ऊपर में 105 हो जाएगा। और यहाँ पे 8, 16 और 2 का जब एचसीएफ निकालिएगा ना तो 2 आएगा, भाग दे दीजिए, 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4, 1 / 1/2 यानी 52.1/2 होगा। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर, क्लियर। नेक्स्ट लिखा है, दो संख्या का महत्तम समापवर्त्य 21 है, एचसीएफ दिया है, एलसीएम भी दिया है और ये वो नंबर भी दिया है, तो दूसरा संख्या पूछा है, पुट कर दीजिए फॉर्मूला को। फॉर्मूला यही होता है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, ठीक है। देखिए काट के किससे कटेगा, सो आइए इसको काटते हैं, 7 से काटेंगे तो 3 times, इसको 7 से काटेंगे तो 7 times, 7 से इसको काटते हैं, ठीक है, तो हो जाएगा आपका 14 times में 140 और 14 × 42 12 times में कटेगा, 3, 7 दिया, ठीक है, 12 टाइम होगा, ये हो जाएगा सेकेंड नंबर आपका कितना, 12 × 36, 360 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, ये भी डेसिमल में है, कोई तकलीफ नहीं है, आइए इसको ऐसे तोड़ देते हैं, 12 है फिलहाल, 12 समझेंगे, डेसिमल से कोई झंझट लेना ही नहीं है ज्यादा, 12 समझेंगे, ठीक है। 12 को तोड़ेंगे हम 3 × 4 में, 27 को तोड़ेंगे हम लोग 3 × 3 × 3, अब जो कॉमन है उसको तो ले ही लेंगे, राइट, मतलब ये तो आएगा, जो बच जाएगा वो सब आएगा, मतलब ऊपर वाला में कौन बचा, 4, नीचे वाला में 3, फिर से क्या 3, पूरा कंप्लीट काम करेंगे तो 108 आएगा, 1 डिजिट के बाद डेसिमल था, एकदम बिंदास 1 अंक के बाद डेसिमल बना लगा देंगे, आ जाएगा आपका 10.8, क्लियर। तो डेसिमल से फ्रैक्शन से किसी भी तरह का भयभीत होना ही नहीं है। नेक्स्ट इसका क्या पूछा आपसे, एचसीएफ, आपके पास दो दो मेथड है, एक आपका फैक्टराइज मेथड है, एक डिवाइड मेथड है, आपको जिससे सहूलियत हो उससे आप काम करिए। आई होप इसका आंसर कैसे होगा आप कोशिश करेंगे बनाने के लिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ऐसे आंसर आपको दिख रहा है कि 7 होगा, बट वो 7 आएगा कैसे वो काम कीजिएगा। यहाँ भी आपसे एचसीएफ पूछा है, ठीक है, क्योंकि आपका आंसर यहाँ पे 2 दिखा रहा है, आप खुद करेंगे। हाँ ये नंबर समझिएगा, दो संख्या का लघुत्तम दिया नहीं, एलसीएम दिया आपसे, पूछा जा रहा है एलसीएम, जिसका एचसीएफ कितना दिया है 9 और संख्या का रेशियो दिया है। जब कभी भी एलसीएम पूछे तो क्या करना होता है, संख्या का जो अनुपात है उस रेशियो को आपस में मल्टीप्लाई कराते हुए एचसीएफ को मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है, तो एक कंप्लीट नंबर आ जाएगा 2394। यही तरीका है, मतलब नंबर का रेशियो को मल्टीप्लाई करा करके जो एचसीएफ होगा उसको भी आपस में मल्टीप्लाई करा लेंगे, डायरेक्ट आपको एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। अगले क्वेश्चन समझिएगा, लिखा है द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 17 एंड द अदर टू फैक्टर ऑफ देयर एलसीएम आर 11 और 19, द स्मॉलर ऑफ द टू नंबर। यानी सवाल कह रहा है कि दो संख्या का एचसीएफ 17 है और एलसीएम का गुणनखंड दिया है 11 और 19, बताना है कि उसमें सबसे छोटा संख्या क्या है,
तो छोटा संख्या निकालना है तो छोटा वाले फैक्टर के साथ हम काम करेंगे एससीएफ को, यानी एससीएफ था 17, 17 गुने 11 करेंगे क्या आ जाएगा 187, यही हो जाएगा स्मॉलेस्ट नंबर, यानी छोटी संख्या डायरेक्ट हो जाएगा आंसर। अगर हमसे बोलता कि बड़ी संख्या क्या होगा, यही 17 को गुना करा देते किसके साथ, 19 के साथ। क्लियर है, चलिए आगे। ये भी काफी आसान चीज है, सारे नंबर का एचसीएफ पूछा है, कर लेंगे। चलिए तो फिर आज के लिए इतना ही, और एक कंप्लीट 20 सेट का यहाँ पे क्वेश्चन आपको मैं लेकर आया था। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो तो हो सकता है नंबर सिस्टम से संबंधित पूरे सीजीएल का निचोड़, सारे क्वेश्चन को एक जगह एकत्रित करके लेकर आएंगे आपके सामने, और धीरे धीरे सारे चैप्टर का इसी तरह से वीडियो आपके पास प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सेशन को लाइक कर देंगे। विशेष मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।